बिलासपुर जिले के झंडुता में भाजपा द्वारा कारगिल शहीद दिवस के खास मौके पर शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध के हीरो व परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार ने मुख्य रूप से शिरकत की। वहीं कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के संबोधन को संजय कुमार सहित कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों की वीर नारियों ने भी सुना और पीएम मोदी के संदेश को जीवन में अमल लाने की प्रेरणा ली, जिसके बाद परमवीर चक्र सूबेदार संजय कुमार व झंडुता से विधायक जीतराम कटवाल सहित वीर नारियों ने कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों की फोटो पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं इस खास मौके पर पूर्व सैनिकों व झंडुता की जनता को संबोधित करते हुए कारगिल हीरो व परमवीर चक्र सूबेदार संजय कुमार ने जहां 1999 में हुए कारगिल युद्ध से जुड़ी अपनी यादों की जानकारी दी, तो साथ ही कारगिल के शहीदों की याद में आयोजन के लिए क्षेत्र की जनता का आभार भी जताया। इसके साथ झंडुता से बीजेपी विधायक जीतराम कटवाल ने कारगिल के शहीदों को याद करते हुए उनकी शहादत को देश प्रदेश की जनता द्वारा हमेशा याद रखने की बात कही। गौरतलब है कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल के युद्ध में भारत की जीत हुई थी, जिसमें 13वीं जैक राइफल में तैनात राइफलमैन संजय कुमार ने पॉइंट फ्लैप टॉप पर कब्जा करने वाले मुख्य सैनिकों में से एक हैं। यही नहीं, संजय कुमार ने दुश्मन पाकिस्तान सैनिकों की राइफल छीनकर उनको ही मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद कारगिल युद्ध पर विजय हासिल की। वहीं उनकी इस बहादुरी पर उन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित भी किया गया। वहीं सूबेदार संजय कुमार बिलासपुर जिला के झंडुता विधानसभा स्थित कलोल बालकिन गांव के निवासी हैं और वर्तमान में IMA देहरादून में तैनात हैं। हाथ जल जाएंगे। जो मेरा बड़ी था, काफी मेरे से 5-6 महीने सीनियर थे वो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ज्यादा दे तो हम बैठ नहीं सकते, तो जितना कुछ करना है 1-2 मिनट के अंदर करना है, तो आप ऐसा करो, आप यहाँ बैठो, मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाऊंगा, अगर मैं वहां से ग्रेनेड डालने की कोशिश करूंगा बंकर में, अगर ग्रेनेड बंकर में गिर जाता है तो आप ग्रेनेड निकाल देना। वही किया, तो जब उसने फर्स्टली ग्रेनेड जब बंकर में डाला तो वो ग्रेनेड बंकर से पीछे चला गया, क्योंकि अभी लेट के ग्रेनेड फेंकना था, अगर पत्थर से टकरा देता तो वो खुद अपने ऊपर आ जाता वापस, तो उसने पहले वाले ग्रेनेड के लिए थोड़ा ताकत लगा दी तो वो बंकर के पीछे चला गया। जैसे पीछे की साइड में खाई थी, जब खाई में जाके ग्रेनेड गिरा तो इनको पता चल गया कि यहाँ पे कोई ना कोई है, तो जैसे ही अंदर वो बातचीत उनकी शुरू होना शुरू हो गई तो हमें आइडिया लग गया कि अब गए, क्योंकि हम तो नीचे थे, अभी अंदर तो फायर कर नहीं सकते थे, वो तो पत्थर भी डालेगा तब भी मार देगा, ग्रेनेड का और फायर तो दूर की बात थी। लेकिन क्या है, वो जो मेरा बड़ी था काफी तेज था, तो उसने जल्दी से दूसरा जो ग्रेनेड था बंकर में डाल दिया, तो बंकर में जो फायर कर रहे थे उनकी कैजुअलिटी हो गई। जैसे गन फायर करना बंद हो गई तो मैं वहीं बैठा था नीचे, दोनों गन्ने हाथों से पकड़ के नीचे निकाल दी, और जो अपने पास जो AK-47 थी उसको जो लूपहोल था उसका, जो जिसमें उसने UMG लगा रखी थी, वहां पे ब्रश फायर किया, तो उनके सिर्फ 3 बंदे थे जो सिर्फ जीवित बचे थे, बाकी ग्रेनेड से मर गए थे, कुछ क्रॉस फायर से मारे गए थे। यानी उस बंकर पे हमने जब कब्जा किया, अंदर जब हम गए तो उनकी टोटल 8 डेड बॉडी वहां पे हमने रिकवर की। उसको पोस्ट का भी पीछे इनका एक और पोस्ट था, तो हमने पहले उस पोस्ट को पीछे की साइड तो जा नहीं सकते थे, तो आगे से ही उनके संगढ़ थे, वैसे बंकर पे या पोस्ट नहीं थे, वो संगढ़ थे जो पत्थरों से बनाए हुए थे, तो हमने आगे से संगढ़ हटाए और आप बीच में चले गए। जो भी उनकी डेड बॉडी थी पहले रीचेक फायर किया और उसके बाद आगे की तरफ फायर खोल दिया। जो हमने अमनिशन जो था अभी तक सिर्फ एक मैगजीन हमने वहाँ यूज की थी, उसके बाद जितना भी अमनिशन था वो हमने दुश्मन का ही यूज किया, क्योंकि उनके पास वहाँ डेप लगा था, हथियार बहुत थे और ऑटोमेटिक हथियार थे सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे लिए। उनकी UMG उन्हीं के ऊपर यूज किया और सेकेंड बक्कर पर भी सेम हमने कार्रवाई कर दी। और इसमें मेरा बड़ी था, सिर्फ वो एक से बचा था, बाकी जितने हमारे सेक्शन के लोग थे सब के सब इंजर्ड हो गए, क्योंकि दिन का टाइम था, बिल्कुल ऐसे धूप लगी थी, अगर आप थोड़ी सी जमीन से उठोगे या ऊपर वाले को थोड़ा सा नजर आ जाएगा वहीं गोली आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी को ऐसी गोली नहीं लगी जिससे कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो, सिर्फ जिसको लगी हो वो वहीं पे शहीद हुए। सिर्फ मेरी सेक्शन में हमने दुश्मन की 15 डेड बॉडी ली थी और हमारे सिर्फ 2 सैनिक शहीद हुए थे, बाकी हम 8 लोग हम वहाँ पे इंजर्ड हुए। स्पष्ट होती दिखी कि हमारी सभ्यता में संस्कार हैं, जैसे कि संजय कुमार ने कहा कि जब वो पाकिस्तान के सैनिक शहीद हुए
उनको वही मौलवी बुलाकर उनके रीति रिवाज के साथ उसी क्षेत्र में जगह दी गई जहां वह शहीद हुए थे, अपने देश के निर्णय के साथ लड़े थे, परंतु जब इस दुनिया से चले गए तो एक इंसान का रिश्ता, इंसान का संस्कार, उसके अनुरूप ही भारतीय सेना ने उनका संस्कार किया।